ससुराल सिमर का I watched as a favorite serial of mine and I don't know I like Deepika as a Sasimar that's why and then Najmali also I watched and I really like her she would come for me this and when Shruti said that she is coming I'm so so happy I'm so excited to seeing her here and wearing my outfit it's really glad so okay Deepika what is your first reaction the moment Alia approached you for the store launch I'm very fond of Indian ethnic wear and Indo-Western also. And when Shruti came up to me and she said there is a store which has to be opened and this is the collection, I really loved the collection. And after looking at it, I was like, yes, I think it's a very good idea. We should go for it. And a lot of people know this that Lokhandwala, the entire strip, there are a lot of good designers. So I'm always fascinated to this trip of shopping and I was more than happy that you are coming up with a store here because I come here very frequently so I'll keep coming now. Thank you so much. जो आपने ड्रेस पहन रखा है वो बहुत अच्छा लग रहा है ये 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 चुनाव कैसे किया क्या आपको आलिया ने पहले बुलाया था कि आप देख लीजिए क्या पसंद करेंगी क्या पहनेंगी एक्चुअली मेरा पिछले कुछ दिनों में जो है शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा है सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आलिया कि शी अंडरस्टूड माई पॉइंट एंड उन्होंने मुझे फोटोग्राफ ऑप्शन भेजे थे बहुत डिफिकल्ट था ये चॉइस बनाना लेट मी टेल यू दैट अभी ये बात निकली है तो बहुत डिफिकल्ट था श्रुति ने मुझे काफ़ी सारे पिक्चर्स भेजे एंड आई वाज लाइक कौन सा उठाया जाए बिकॉज हर कोई अपने आप में बहुत बेस्ट था तो ऑनेस्टली मैंने कोई एक शॉर्टलिस्ट करके नहीं दिया था मैंने दो या तीन पिक्चर्स भेजे थे आई वाज लाइक इसमें से कोई एक जो आपके हिसाब से सही है वो दे दो बिकॉज आई वाज नॉट इन अ कंडीशन टू पिक वन अप सो उन्होंने मुझे ये भेजा एंड ऑफ कोर्स आई लव्ड इट ओके फैशन मंत्रा आपका फैशन मंत्रा क्या है मेरा सबसे सिंपल फैशन मंत्रा है कि जो भी आप कंफर्टेबल हो कैरी करने में आई थिंक आपको वही पहनना चाहिए बिकॉज फैशन चाहे जो भी ट्रेंड चल रहा हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे और अगर आप उसको सही से कैरी नहीं कर पाओगे तो वो आप पे खूबसूरत लग ही नहीं सकता इसलिए जो भी आप कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द फैशन ट्रेंड सॉरी जो आप कंफर्टेबल हो अकॉर्डिंग टू द फैशन ट्रेंड वही आपको पहनना चाहिए ओके बहुत डिजाइनर हैं अगर मैं इस खास एरिए की बात करूँ आलिया में क्या खास है एज अ डिजाइनर जो अलग करता है आलिया
आई थिंक द डिटेलिंग इन हर वर्क, मुझे वो बहुत पसंद आया जो डिटेलिंग वो करती हैं, जैसे इस आउटफिट पे भी जो काम इन्होंने किया है, जो कलर्स का ब्लेंड है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. ऑल्सो जो इंडो वेस्टर्न का मिक्सचर इन्होंने इनके काफ़ी आउटफिट्स में आपको दिखाई देगा, वो मुझे बहुत पसंद आया. सो यार दीज टू थिंग्स आर रियली लाइक. तो आपने मेहंदी भी किया, तो आपने आज के लिए किए या नहीं? नहीं एक्चुअली ईद थी कल, तो परसों, उस वजह से मेहंदी और सारी तैयारियां थी. कुछ बताना चाहिए किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने ईद पे? ईद की सेलिब्रेशन हर बार की तरह मेरे घर पे हमने सारे फ्रेंड्स को बुलाया था, एंड बस अच्छा सा दावत थी, अच्छी सी, बहुत सारा खाना बनाया, बहुत सारा खाया खिलाया भी. ओके, आलिया दीपिका के अलावा और कौन सी दीपिका इसके लिए आप डिजाइन करना चाहें? और कौन सी दीपिका है? जी वैसे तो क्लाइंट्स हैं मेरे काफ़ी, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो लोखंडवाला में आते हैं, जैसे इन्होंने कहा काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं शॉपिंग के लिए, तो आई हैव सम नाइस सेलिब्रिटीज़ हु वेयर्स माय क्लोथ्स, अच्छा है. बट दीपिका के अलावा अगर इंडस्ट्री में आप टीवी इंडस्ट्री से बोलो तो आई लाइक दिव्यांका त्रिपाठी ऑल्सो, शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड बेस्ट दिस थिंग चॉइस फॉर दिस. And for actors, as you're saying, so I like Sonam Kapoor a lot. I like her styling, how she wears, and Indo-Western cuts ke saath. I really like that. And mera khud ka mantra yehi hai ke main jo bhi banati hu with the detailing of contemporary look, like handwork job, handwork karigari we do a lot. Like handwork mein we can take a jardozi, dapka work, gota patti work, all for bridals. And bridal ke saath saath bridesmaids as well, their family members like mothers and all, we take orders according to that. So mere jo work mein and designing mein mostly western cut, western look, western silhouettes milenge, but Indian embroidery ke saath. Wo mujhe bahut pasand hai, fusion karna, combination karna, like that. To future mein koi production house ke saath aap tie up karenge bade bade? इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, होगा अगर टाई अप तो डेफिनेटली करेंगे. अभी फ्यूचर प्लान्स आई डोंट नो क्या है, बट डेफिनेटली इंशाल्लाह. मैम अभी नचबली खत्म हुआ है, आपका शो भी अभी आप पहले कर रहे थे, तो आगे की अभी क्या प्लानिंग है? क्या आप फिलहाल तो कुछ दिन आराम करना है. फिल्मों में आप जाना? फिल्मों में मैं बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगी. फिलहाल मुझे सिर्फ कुछ दिन आराम करना है, कहीं छुट्टी पे जाना है, क्योंकि बहुत नचबली में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत होगी. उसके बाद जो आएगा देखेंगे. दिव्यांग जी जीती है नचबली, ये तो आपको लगता है शी इज अ वेरी गुड कैंडिडेट? मतलब बिल्कुल डेफिनेटली, जो भी कंटेस्टेंट वहाँ थे, जैसा कि मैंने ये फिनाले एपिसोड में भी बोला था कि जो टॉप थ्री आए थे, हम मैं और शोएब द टॉप, वी गॉट एलिमिनेटेड आफ्टर टॉप फोर, तो हम थे जिन्होंने लास्ट मिनट तक उनकी जर्नी देखी. एंड नो डाउट हर एक जोड़ी ने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है, अपने हिस्से की मेहनत की है. ऑल सेट एंड डन, एक बात तो फैक्ट है कि अगर दिव्यांका की पॉपुलैरिटी की आप बात करो तो उसे कोई बीट नहीं कर सकता. एंड सोने पे सुहागा बात ये थी कि उसने उतनी ही मेहनत भी की. लाइक व्हेन दे स्टेप्ड इन ऑन द शो, तो कोई उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज सब जानते थे कि वो लोग डांसर्स नहीं हैं. बट देन ग्रेजुअली इवेंचुअली दे पिक्ड अप, एंड दिव्यांका इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी, शूटिंग एंड उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद भी, शी पुल्ड इट अप. सो इट वॉज रियली नाइस एंड डेफिनेटली शी डिजर्व्स. तो आपने कहा कि आप छुट्टी में जाएंगे, तो कहाँ जाने वाली आप छुट्टी में? ये सब मैंने सोचा नहीं है. मैं इतना प्लानिंग करके कहीं कुछ नहीं करती, जो जब हो जाता है तब मैं कर लेती हूँ. अच्छा लास्टली, जब आप छुट्टियों पे जाएंगी तो क्या आलिया के डिजाइनर वेयर? नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आलिया के जो डिजाइनर वेयर हैं वो बहुत ही प्रेशियस हैं. और इनफैक्ट मैं ये भी आज पूरा वक्त संभालती हुई हूँ. आई वाज सो स्केयर्ड, बाहर बारिश हो रही थी कि कुछ खराब ना हो जाए, और मैं ऐसे कपड़ों के मामले में वैसे बहुत केयरफुल रहती हूँ. तो बिल्कुल भी नहीं, ये कपड़े यहीं अच्छे लगते हैं. एंड डेफिनेटली जब मैं कोई शूट्स करूंगी या जब किसी अवार्ड फंक्शन पे जाऊंगी, तब मैं डेफिनेटली इनकी कलेक्शन उठाऊंगी. लेकिन छुट्टियों में खराब करने वाली ये कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये संभाल के अच्छे से रखने वाली कलेक्शन है. तो आलिया के कलेक्शंस को किसी को एडवाइस देना चाहेंगे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर किसी? सबको, मेरे फ्रेंड्स तो हैं बहुत सारे हैं डेफिनेटली. एंड जब हम लोगों के इवेंट्स आते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे फटाफट से आता है ना, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता कहाँ जाना है. बट नाउ आई नो दिस प्लेस एंड आई कैन डेफिनेटली टेल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स की प्लीज कम हियर. सब यही प्रे करेंगे कि इंशाल्लाह ये तो पहला स्टोर है, इसके बाद बहुत सारे हैं. थैंक यू, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच.
मैम आज आप काफी सुंदर दिख रही है और डिजाइन भी बहुत अच्छा बना है आपने जो ड्रेस, इसके बारे में कुछ बताइए और किस तरह का है? आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, उसके लिए थैंक यू एंड बिग थैंक्स टू आलिया, बिकॉज ये जो आउटफिट है ये इन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है और इन्हीं का है और ये इनकी ही सिलेक्शन है कि ये मुझे इसमें देखना चाहती थी, सो थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक इनकी डिटेलिंग ये बताएंगी कि ये क्या है ना आउटफिट को डिस्क्राइब, आई थिंक इन्हें करना चाहिए, जिसने बनाया है उसे डिस्क्राइब करना चाहिए. दिस इज द वेलवेट बेस लहंगा एंड वी डन अ एम्ब्रॉयडरी मशीन रेशम वर्क विद द हैंडवर्क with this which is sequence and this thing detailings are there, and dupatta as you can see it's a very contrast dupatta, very nice mint green, and then the whole handwork border is there on the dupatta, and it's a collar base, so she need to wear just nice big earrings to that to enhance the whole look, and as she's looking so lovely, I'm so happy, she's looking so lovely in my outfit, I'm so happy. Aaj aapne queen bana diya madam. हाँ, मेरे लिए तो ये रोज है, मेरे लिए मेरी क्वीन है, मेरी ड्रीम क्वीन है, मेरे लिए तो ये इंस्पिरेशन है कि ये इतने अच्छे ड्रेसेस मैं बनाती हूँ और ये जब पहने और इनको और खूबसूरत कर देते हैं ये पहन के. कब आपने सोचा कि इस तरह का ड्रेस मैम को देना है और इस तरह की? जब हम प्लानिंग की, बहुत प्लानिंग की थी, बहुत मुझे खुद के कलेक्शन से ही चूज करना मुश्किल हो रहा था कि मैं दीपिका मैम को क्या दूँ जो मतलब उस दिन को मेरे स्पेशल डे को और ग्रैंड कर दे और मैम इतनी अच्छी लगे. मैम तो सब मेरे सब ड्रेसेस में इमेजिन कर रही थी कि मैम कैसी लगेंगी, तो मुझे सब में ही मैम अच्छी लग रही थी, कुछ बहुत फ्लोई है तो मुझे ऐसे इमेजिन कर रही थी कि मैम इसमें तो बहुत अच्छी लगेंगी. देन आई थॉट कि ग्रैंड दूँ कि सेमी फॉर्मल दूँ, तो फिर श्रुति ने मेरी हेल्प की, हमने कुछ ऑप्शन सिलेक्ट किए, देन मैम को भेजा, फिर मैम को भी कुछ अच्छे लगे तो मैम ने मुझे दो तीन रिप्लाई किया कि ये दो तीन ऑप्शन है, आई कैन वेयर एनीथिंग. उसमें भी हमने बहुत सोचा कौन सा, ये इसमें पिंक कलर है, इसमें ग्रीन कलर है, वॉट, बट फाइनली हमने ये सिलेक्ट किया मैम के लिए. मैम आपको कितना पसंद आया ड्रेस के बारे में? बहुत बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस, कलर कॉम्बिनेशन, डिटेलिंग सब बहुत अच्छा है. और मुझे इनके पूरे सारे कलेक्शन की बेस्ट पार्ट ये लगी है कि जो इंडो वेस्टर्न का फ्यूजन इन्होंने हर ड्रेस में किया है वो बहुत बहुत अच्छा है. एंड काम, आई थिंक इन द डिटेलिंग शी इज मेंटेन्ड टू बी इंडियन, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और तो द फ्यूजन इज नाइस. सो काफ़ी भारी ड्रेस है, कितनी तैयारी लगी आपको पूरी? नहीं, तैयारी नहीं, आई थिंक ये हम लड़कियों का इनबिल्ट थोड़ा सा टैलेंट होता है हर लड़की का, क्योंकि हमें खूबसूरत दिखना इतना पसंद होता है तो हम वेट को ज़रा साइड में रख देते हैं, उसको उसका मैनेजमेंट ऑलरेडी हमें आता है. आपने काफ़ी सेलिब्रेट की, जी ईद के बारे में कुछ कहना चाहिए, किस तरह की सेलिब्रेशन की आपने कुछ? ईद की सेलिब्रेशन हर बार की तरह वही, घर पे अच्छी सी दावत थी, और ये आज मैं इस स्टोर की ओपनिंग के लिए आई हूँ, तो आज हम यहाँ की बातें करेंगे. आखिरकार कुछ बनाया आपने डिश खुद? मैंने बहुत कुछ बनाया, लेकिन प्लीज़ वी विल स्टिक टू द क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.